मास्टरबेशन अच्छा या बुरा, इसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमने एक यूट्यूब के ऊपर एक पोल लिया और उसमें मास्टरबेशन सही या गलत ऐसा पोलिंग, मतलब ऐसे सवाल डाले पोल्स में, और करीब करीब 70% लड़कों ने उसमें ये लिखा कि मास्टरबेशन सही नहीं है, गलत है, और 30% लोग थे बोलते सही है। काफ़ी लोगों को ये अच्छा लगा कि भाई ये ऐसा सवाल किया है, ओपिनियन पोल लिया करके। मुझे इतना ही बोलना है कि मास्टरबेशन जो है, मतलब हैंड प्रैक्टिस बोलते हैं, मुट्ठी मारना बोलते हैं, हिलाना बोलते हैं, तो ये सब नॉर्मल प्रक्रिया है। लड़का 12 से 14 साल के उम्र में एक बार लड़के का पुरुष बनता है, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होते हैं। एक बार पुरुष बन गया, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो गए, तो उसको एक आंतरिक इच्छा तैयार होती है अंदरून, उसको उसके सेक्स हॉर्मोन्स चुप नहीं बैठने देते, अंदरून एक इच्छा होती है और नेचुरल इच्छा है वो कि वो सेक्सुअल प्लेजर ले। अब उसकी शादी हुई नहीं है तो वो क्या करेगा, सेक्सुअल प्लेजर के लिए वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, उनके साथ में लगट करेगा और सेक्स करने की कोशिश करेगा, या फिर वो खुद मास्टरबेशन करके अपना मन शांत कर सकता है। जैसी खाने की भूख है वैसी सेक्स की भूख 12 से 14 साल की उम्र में चालू हो जाती है, इसलिए वो भूख शांत करना जरूरी है। 60 से 70% लड़के मास्टरबेशन करते हैं और 30 से 40% लड़कियां भी मास्टरबेशन करती। मास्टरबेशन करना मतलब खुद ने खुद को सेक्सुअल प्लेजर देना, खुद ने खुद को सेक्सुअल आनंद देना। तो लड़कियां कुछ वजाना में ऑब्जेक्ट डाल के मास्टरबेशन करती है, या क्लाइटोरिस को स्टिम्युलेशन करके मास्टरबेशन करती है, और लड़के पेनिस को घिस के, हिला के, फ्रिक्शन करके मास्टरबेशन करते रहता है। तो ये एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है। देखिए, खाना खाना नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है? नॉर्मल है, मगर कुछ लोग खाना खाते सवेरे खाएंगे, दोपहर को, शाम को, फिर अभी बीच में भी और कुछ तो भी खाएंगे, इतना कि उनको खाना खाने का एडिक्शन हो जाता है। अभी वो बुरा है, खाना खाने का एडिक्शन, नॉर्मल नहीं खाना खाना, उसका भी एडिक्शन, इतने मोटे हो जाते लोग, खाते ही रहते। कुछ लोगों को पॉर्न का एडिक्शन है कि पॉर्न देखते। अभी पॉर्न देखने से क्या होता है, डोपामिन फील गुड हार्मोन सिक्रेट होते हैं, सेरोटोनिन सिक्रेट होता है, अच्छा लगता है, फिर पॉर्न देखते हैं। पॉर्न देखना बुरा है क्या? ऐसा कोई बुरा नहीं है, ठीक है, एक आधी बार देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर वो देखते हैं, देखेंगे और देखेंगे, ज़्यादा देखेंगे, बार बार देखेंगे, उसका फिर एडिक्शन हो जाता है। वैसे ही शराब का है, वैसे ही मास्टरबेशन का है। मास्टरबेशन एक आधी बार, दो बार किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारे तरफ लोग ऐसे आते हैं कि मास्टरबेशन उनको करना ही पड़ता है, उसके सिवा जमता ही नहीं है, उनका दिमाग ही चलता नहीं है, उतना रेस्टनेस उनको हो जाता है कि वो काम ही नहीं कर, उनको करना ही पड़ता है, बाद में उनका शांत हो जाता है। तो दिन में 3 बार 4 बार करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक है, तो उसमें फिर क्या करना जरूरी है देखना। वैसे शादी के बाद में यदि पत्नी नहीं है और मास्टरबेशन करे तो नॉर्मल है, मगर पत्नी घर में है और उससे कांटेक्ट न करते हुए वो आदमी मास्टरबेशन कर रहा है तो वो एबनॉर्मल है, क्योंकि उसके साथ में नॉर्मल सेक्स नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम है। मगर घिस घिस के यदि उसके ऊपर छाले आते हैं पेनिस के ऊपर और उसको मज़ा भी नहीं आ रहा, तो फिर ठीक करना जरूरी है। तो फिर हम ठीक कैसे करते हैं? हम तो एक तो मेडिसिन देते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि एक कुछ तो भी बड़ा पर्पस क्रिएट करो, देखो करना क्या है, अपने को पढ़ना है, बड़ा होने का है, बड़ा एजुकेशन लेने का है, बड़ा व्यापार धंधा चालू करने का है, अपना पर्पस क्या है उसके ऊपर ध्यान दो, रादर देन सेक्स 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 के ऊपर ध्यान है, सब पूरा ध्यान उसके ऊपर है। लड़की का बार बार विचार आ रहा है, सेक्स का विचार आ रहा है, मास्टरबेशन का विचार आ रहा है, उसके बदले मेरा पर्पस क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर ध्यान दो, वो क्रिएट करो, वो शेयर करो। मास्टरबेशन का थॉट आ रहा है तो थॉट को थॉट करके ऑब्जर्व करो, कि विचार आ रहा है, मेरी इच्छा नहीं है, वो विचार आ रहा है और मैं विचार, वो जबरदस्ती विचार घुस रहा अंदर, बार 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 विचार आ रहा है और उसके ऊपर अभी मेरे को एक्शन करने की इच्छा हो रही है। विचार को विचार रखो, ऑब्जर्व योर थॉट्स, ठीक है ना। जब जब मास्टरबेशन के विचार आते हैं, इच्छा नहीं है करने की मगर विचार आ रहा है, तो आपने सिर्फ अपने आप को पूछना है, क्या ये मास्टरबेशन अभी मैं 1 घंटा पोस्टपोन कर सकता हूँ? अपना विचार आ गया कि यस 1 घंटा पोस्टपोन कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 घंटे बाद में करो, तो 1 घंटा पोस्टपोन करो, 1 घंटा पोस्टपोन करो। ऐसा जरा कि नहीं नहीं पोस्टपोन नहीं कर सकते, बोला ठीक है, क्या मैं 10 मिनट तक पोस्टपोन कर सकता हूँ? ऐसा अपने ब्रेन को पूछो, अपना ब्रेन जब
जवाब दे रहा है कि नहीं नहीं अभी करना ही पड़ता है, बोला क्या मैं 10 मिनट आधा घंटा एक घंटा पोस्टपोन कर सकता हूँ? तो लगे ठीक है करो पोस्टपोन। फिर आधा घंटा परमिशन दिया ब्रेन ने, फिर आधे घंटे बाद में फिर ब्रेन को पूछो क्या मैं और आधा घंटा निकाल सकता हूँ बिना मास्टरबेशन का? बोले हाँ निकालो। तो फिर वैसे आपका एक घंटा दो घंटा चले गए, बाद में मास्टरबेशन करो, जितना लंबा सकते हो उतना लंबा करने का है। मास्टरबेशन ने अपने को कंट्रोल नहीं करना है, अपन ने मास्टरबेशन को कंट्रोल करना है, ये ध्यान में रखो। तो आपने पोस्टपोन करते जाना है, पोस्टपोन करते जाना है, एक घंटा निकालो दो घंटा टाइम पास करो, ना मैं दो घंटे बाद में करूँगा अभी नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये जो गिल्ट है मास्टरबेशन का, वो गिल्ट निकालो। मास्टरबेशन मतलब हस्तमेधन, हस्तमेधन में कितना भी वीर्य गया तो भी कुछ होता नहीं है, वीर्य का साठा जो है स्टॉक वो कभी ख़त्म होता नहीं है। मास्टरबेशन से लिंग टेढ़ा होता नहीं, छोटा होता नहीं, पतला होता नहीं, दुबला होता नहीं। मास्टरबेशन से कोई HIV की बीमारी होती नहीं है, ना और कोई बीमारी होती है। मास्टरबेशन ये नॉर्मल प्रक्रिया है। प्रॉब्लम इतना ही है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, मज़ा नहीं आ रही और तभी भी करना पड़ रहा है, तो फिर ठीक करो। और ठीक करने के लिए मैंने आपको तरीके बताए, नंबर एक दवाइयाँ, नंबर दो बड़ा पर्पस, नंबर तीन ऑब्जर्व योर थाट्स, नंबर चार एक घंटा पोस्टपोन करना, नंबर पाँच मास्टरबेशन को कंट्रोल हमने करना है, अपने कंट्रोल नहीं होना मास्टरबेशन से। ये पांच चीज़ें आप करते हैं तो डेफिनेटली मास्टरबेशन कंट्रोल में आ जाएगा। मास्टरबेशन अच्छा है बुरा नहीं है, सिर्फ उसको कंट्रोल करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।